क्वेश्चन नंबर 37 है, अ मैन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एट स्पीड 25 किलोमीटर पर आर एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आर एंड देर आफ्टर ट्रेवल्स 90 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आर, हिज एवरेज स्पीड इज़। आपको पूछा एक मैन है, मैन 50 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करता है 50 किलोमीटर कितनी स्पीड पे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, एंड द नेक्स्ट 40 किलोमीटर फिर उसने ट्रैवल करने हैं 40 किलोमीटर, ठीक है सपोज करो ये 40 किलोमीटर है, ये जो अगले 40 किलोमीटर है इसको करता है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल, एंड देयर आफ्टर ट्रैवल 90 किलोमीटर, इसके बाद में वो 90 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कितना 90 किलोमीटर, ठीक है तो इसके बाद में उसने ट्रैवल करना है 90 किलोमीटर, सपोज करो ये 90 किलोमीटर है, ये किस स्पीड पे ट्रैवल करता है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है आपने क्या निकालनी है, हिज एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो तीनों केसेस में 50 किलोमीटर पहले फिर 40 फिर 90 डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इसमें शॉर्टकट वाला जो वो फार्मूला है वो लगेगा नहीं, एक्चुअली वो फार्मूला एक नहीं लग सकता क्योंकि वो जब तब लगता है अगर जो डिस्टेंस है ना वो सेम हो तीनों केसेस में, ठीक है तो अब जो एवरेज स्पीड का फार्मूला जो हम इसमें फार्मूला है जो वो ओरिजिनल वो वाला लगाते हैं वो क्या फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 50 है फिर 40 है फिर 90 है, टोटल टाइम टेकन, टाइम तो पता ही नहीं है ना, ये वाला टाइम पता है 50 किलोमीटर का, इसमें कितना लगा ये भी नहीं पता ना ये पता है, तीनों टाइम निकालने पड़ेंगे, निकालो तो पहला टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस 50 है स्पीड 25 है तो कितना लगा, 2 घंटे लगे होंगे क्योंकि 25 की स्पीड है, 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 25 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करता है तो 50 2 घंटे लगेंगे ऑब्वियस ही बात है। सेकंड केस में डिस्टेंस 40 किलोमीटर ट्रैवल करना है, स्पीड 20 है, 20 दूनी 40 फिर से 2 घंटे लगेंगे। तीसरे केस में डिस्टेंस 90 है और स्पीड कितनी है 15 6 90 6 घंटे लगेंगे तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 2 + 6 ये लगा टोटल टाइम, तो निकालो 50 90 180 अपॉन 6 2 8 2 10 0 0 कट गया, एवरेज स्पीड आई 18 किलोमीटर पर आर, इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन।